ये देखो हम दोनों बड़े पापा और मैं निकल रहे हैं ना बेटा। निकल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बताओ। हाँ ये हम यहाँ आए थे घूमने, चलो उतर जाओ। ये उतर गया। अरे चल रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सबको ले चलता हूँ रामगढ़ घुमाने के लिए। तो आज हम सरस्वती शिशु मंदिर पेंडकी से सारे बच्चों को पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ बच्चे सारे गाड़ी में चढ़ चुके हैं और गाड़ी निकलने वाली है। तो आज आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा और आप लोगों को मैं आज रामगढ़ ले चलूँगा, वहाँ का कुछ कुछ व्यू दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी नए साथी जुड़ रहे होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और देखते रहिए मेरे वीडियो। धन्यवाद। हम लोग भी अपने बाइक में यहाँ सवार हो चुके हैं और नरेंद्र, मैं और बीच में मेरा भतीजा प्रदीप कुमार वो भी बैठ चुका है। तो अभी हम लोग बाइक से निकल रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप लोग को मैं आगे का व्यू दिखाता रहूँगा और इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए। हम लोग बच्चों के पीछे पीछे लगे हुए थे, आप लोग देख रहे होंगे। ये लगभग हम लोग महंगाई पार कर गए थे, वहाँ तक का आगे का व्यू है जो हम लोग देव टिकरा, जिसको देवगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँचने वाले थे, वहीं का व्यू है। और बाकी यहाँ प्रदीप कुमार भी परेशान था तो उसको बोला भाई तू गाड़ी में खड़ा हो जा। आगे आप लोग को मैं रामगढ़ के लगभग नज़दीक उदयपुर के ये पास का जंगल है, यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और धीरे धीरे हम लोग रामगढ़ के करीब पहुँचने ही वाले थे। और आप लोग को मैं बीच में दिखाता जाऊँगा कि हम लोग कहाँ कहाँ से होकर गए। तो आप लोग देख सकते हैं जो रामगढ़ का मुख्य द्वार है वहाँ पास हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और ये हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो आज आप लोगों को मैं रामगढ़ का व्यू दिखाऊंगा कुछ कुछ जगहों का। तो देखते हैं कहां कहां तक का हम लोग वीडियो बना पाते हैं और आप लोगों तक मैं पहुंचा पाता हूं। तो दोस्तों, ये सरगुजा का प्रमुख देवस्थल है जिसको रामगढ़ से नाम से जाना जाता है। यहां माता सीता जब वनवास कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। तो यहाँ सीता माता, लक्ष्मण और श्री राम जी यहाँ अपना समय बिताए थे। तो यहीं पास हम लोगों ने प्लान बनाया कि विद्यालय का जो वन भोज कार्यक्रम है यानी पिकनिक, उसको यहीं पास मनाते हैं। तो आज हम लोग यहीं पास पिकनिक आ रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी भी यहीं आ सकते हैं और अपना पिकनिक इंजॉयमेंट के साथ यहाँ कर सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए, आगे का व्यू आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो यह तो नजदीक में है, वो पंडाल जब पानी नहीं पहुंच पाई पर है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग रामगढ़ पहुंच चुके हैं और ये अभी हम लोग यहाँ अपना सामान है, इधर बर्तन रखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे है ना, और अपना चावल टमाटर सब्जी इधर, और इधर हमारे संरक्षक, हमारे बड़े बुजुर्ग, इधर मेरे नाना जी हैं बसंत राम सिद्धार जी और हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के हाँ राम माता राजवाड़े जी ये भी आए हुए हैं। हम शिशु मंदिर से अपने बच्चों को यहाँ वन भोज कार्यक्रम पिकनिक मनाने लाए हुए हैं। तो आगे आप लोग को और दिखाएंगे, यहाँ बच्चे लोग अपना बैग वगैरह रख के वो लोग इधर खेलने गए हैं, बंदर बंदरों के साथ उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, कुछ कुछ लाए हैं शायद उनको साथ खिला रहे हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और देखते रहिएगा, मैं आप लोगों को आज का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों ठीक है, बाय। अभी मैं रामगढ़ के ऊपर में चढ़ गया हूँ, यहाँ से आप लोग को दिखा रहा हूँ जंगले जंगल जहाँ तक आप लोग का नज़र जाएगा है ना, वहाँ तक एकदम जंगल ही जंगल नज़र आएंगे। मैं इधर लकड़ी की तलाश में आया हूँ लेकिन लकड़ी दिख नहीं रहा है। आप लोग वहाँ उदयपुर शहर को देख रहे होंगे, ये देखो ये उदयपुर का शहर है,
जो हमसे लगभग 1 किलोमीटर दूर पर है। तो मैं आप लोग को अभी इधर घुमाता हूँ, अकेले हूँ दोस्तों और सारे बच्चे लोग नीचे हैं, तो मैं अभी नीचे जाऊँगा क्योंकि लकड़ी इधर नहीं मिल रहा है ना। तो ठीक है, बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और आप पूरा आज का वीडियो देखते रहिए। मैं लकड़ी की खोज पर निकल पड़ा हूँ लेकिन मेरे को लकड़ी नहीं मिल रहा है क्योंकि एकदम पहाड़ है, लकड़ी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। चलो फिर से मैं नीचे उतरता हूँ और फिर कहीं दूसरी जगह लकड़ी खोजने जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा भूख लग रहा था तो यहाँ नाश्ता करने के लिए चटनी भी मिल गया है। अरे वाह, खाओ खाओ बेटा खाओ। चलिए यहाँ सब लोग का नाश्ता हो रहा है ना, चटनी भी दोस्तों भूख से हमारा पेट तबाही तबाही हो रहा था ना। हम लोग आए हैं घर, हम लोग कुछ होंगे क्योंकि भूख बहुत लग रही है। देखते हैं अब कितना टाइम यहाँ पर खाना समझ। अरे लगी भैया चटनी भी मिल गया है और चटनी के साथ साथ ब्रेड चाप मेरे लिए भी दे दीजिए। हाँ चलिए आपके लिए भी। आपके लिए दोनों ले जी 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 लाइए यहाँ इनके लिए। हाँ इनके लिए भी मिल गया। अरे वाह इधर काजल को देखो मुंह पे इठा इठा के खा रही है। वाह भाई तुम्हें सब लव यूट्यूब में डाल देता मुट पे जब्ती हो जाते हैं। हाँ इसका कुछ बचेगा भी नहीं। चलो ठीक है चलिए 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 ठीक है बहुत अच्छा। सारे लोग को हो गया है। हाँ लगवाएंगे है ना। यहाँ हमारे सारे भैया बहन लगभग अपना नाश्ता लेते हुए है ना। कुछ लोग तो बहुत मजे से खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग को समय मिला है थोड़ा सा, तो हम लोग सीता बंगरा की ओर जा रहे हैं इधर है ना। इधर मैं हूँ, नरेंद्र है और प्रदीप कुमार है, देख सकते हैं पीछे में चल रहा है धीरे धीरे। मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, पता नहीं अभी फटाफटा है ना। तो आप लोग को आगे का कैमरा से मैं दिखाता हूँ और हम लोग अभी सीता बंगरा तरफ जाएंगे। इधर काफ़ी थोड़ा सा काम कर रहे थे है ना, जो आए हैं राजा भैया खाना बना रहे हैं वहाँ हेल्प कर दे रहे थे। तो यहाँ हम लोग एक आठ फोटो वोटो शूट करेंगे और सीता मंदिर देखेंगे। बाकी इधर हमारे दीदी जी लोग इधर एकदम फ्रंट में बना रहे हैं अपना फ़ोटो वीडियो। तो ठीक है आपको बैक कैमरा से ले जाता हूँ, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और ये आपका सीता मंदिर के पास हम लोग आ गए हैं, देख रहे होंगे कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। बाकी इधर फोटो शूट भी हो रहा है, दीदी जी फोटो खिंचाते हुए और इधर वो फोटो शूट करते हुए। बाकी नहीं खिंचा लें, चलिए खिंचा लेते हैं। चल खिंचा रही, इधर से हमारे बच्चे सीता मंगला को देख कर आ रहे हैं है ना। मत गिरना ना रे, आराम से चढ़ना आराम से उतरना। एक प्रदीप भाई सा बाबू दूसरा सीढ़ी में जा रहा था। चल रे इधर आ, चल इसी में चढ़ जा, चल लगा दम। हाँ इसी में दम लगा। आगे हम लोग जा रहे हैं, इधर कुछ फ्रेंची फ्रेंची एकदम है ना, अच्छे अच्छे। ओ भाई साहब
धीरे धीरे चलना ना बाबू। अरे बबुआ देख के यार, ए देखो यहाँ कबूतर भी हैं भाई, रामगढ़ में सीता मंदिर के पास देख सकते हैं आप लोग। तो ये कबूतर और ये है आपका हाँ प्रदीप, धीरे धीरे चलना ना बाबू। और यहाँ कुछ दर्शन करने आए हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहे हैं यहाँ, है ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीता विंगरा, ऊपर चलना बाबू ऊपर। और ये सीता विंगरा है, ये सीता विंगरा है, प्रदीप बाबू है। ऊपर नहीं जाना है, जाना है। ये हमारा प्रदीप बाबू सीता विंगरा पे चढ़ते हुए, इसी को कहते हैं सीता विंगरा। यहाँ सीता माता ठहरी थी जब उनका समय था, है ना। और ये प्रदीप को देख रहे होंगे एकदम फर्राटेदार चढ़ता हुआ, यहाँ से गिरेगा तो शायद कुछ भी हो सकता है, है ना। बस मंत्र पढ़ते हैं तो निकलता है कुछ। हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, होता है। और हमारे यहाँ भैया जी बैठे हुए हैं, भैया जी बैठे। हाँ भैया महाराज। तो चलो, हाँ हाँ आधा घंटा, एक घंटा लग जाएगा, हम शाम हो जाएगा। यहाँ सीता माता जी को विराजमान थे जब उन लोग का था। इधर बाबू है, ए दादा आराम से उतरना यार, बहुत ही खतरनाक रोड है, इस हाथ से पकड़ ले। चल इधर, रे ये छोटा बाबू को कैसे उतार रहा हूँ खुदे। उधर से चल, राइट साइड से, हाँ इधर से। धीरे धीरे उतर रहे हैं हम लोग, हाथी फोर तरफ जाएंगे अभी। यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ तो मेरे को सारे जगहों के बारे में पता है। एक समय आया था अपने बाबा के साथ, वो घुमाए थे सारे जगह, तो फिर मैं दोबारा नहीं, समय नहीं मिलता है, इसलिए ऊपर तक बाइक जाएगा तब मैं जाऊँगा, और पैदल जाने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो आज हमारे जो साथी थे वो लोग पैदल गए हैं। हाँ बहुत बड़ा सांप है ना बेटा, हाँ हाँ ठीक। अरे हाँ बेटा चलो चबेगा, इधर छोटो इधर, मिला जगह। हाँ हाँ चलो चलो चलो, हम लोग हाथी पर तरफ लगभग पहुँच गए हैं। हाथी ने फोड़ा था, देखो मैं तो पहले पहुँच गया प्रदीप से, और प्रदीप तो गिर रहा है देखो। अरे वाह, चलो कूद के इधर चलो, एकदम ठंडा जगह बेटा। गर्मी में हम लोग आते हैं रामनवमी में, जब रामनवमी लगता है उस समय, तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। क्या है कि यहाँ जगह मस्त है, ठंडा लगता है ना, इसलिए यहाँ विश्राम कर लेते हैं, मन में थोड़ा ठंडक पहुँचता है। वास्तव में यहाँ बहुत बड़े बड़े सांप हैं, वो मैंने एक बार आया था तो देख रहा था। इतना ख़तरनाक भवंडर लगा हुआ है कि आप लोग अंदर जाएंगे तो डरेंगे। ये देखो यहाँ से लाल पानी आया, किसी का ऐसा लग रहा है कि खून बहा हुआ है, ऐसा लग रहा है व्यू से। तो जाएंगे अंदर तक, देखेंगे कि वास्तव में यहाँ है क्या। छोटा वाला को पा लूँगा मैं और जाएंगे। छोटू 5 मिनट लगेगा, आते हैं थोड़ा सा चल के। हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखिए आपका व्यू है, इसी को बोला जाता है हाथी पोड़, है ना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये इसका मुहा है। तो अभी हम लोग प्रदीप और मैं अंदर में हैं, ये देखो
हम दोनों बड़े पापा और मैं निकल रहे हैं ना बेटा। हाँ? निकल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बताओ। हाँ ये हम लोग यहाँ आए थे घूमने, चलो उतर जाओ। ये उतर गया, अरे चल रहा है आगे देख। हाँ हाथी फोड़ा बेटा इसको, चलो 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 चलो। हैं कौन तो पता नहीं। हाँ चल बेटे फोटो खींच दे बेटा चल। यहाँ बहुत लोग आए थे देख। अब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, कैसे चढ़ते हैं देखो। प्रदीप कैसे चढ़ रहा है देखो, ये देखो हिम्मत तो देखो भाई। छोटा बच्चा इतना मेहनत करके चढ़ रहा है, वाह चढ़ गया। इसको चढ़ाने में नरेंद्र भैया का बहुत बड़ा योगदान है, इसको हिम्मत देते हुए तब चढ़ पा रहा है बच्चा। ऐसे बच्चा काफ़ी ताकतवर है, हिम्मतदार है, क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ को, बड़े बड़े पहाड़ को ऐसे ही चढ़ ले रहा है। इधर से चल लेफ्ट साइड से, चलो हम चलते हैं इधर से। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं, देख सकते हैं। लगभग अभी हम लोगों ने 200 फीट नीचे चले गए थे यहाँ। अरे हाँ यार चल, चलो चढ़ ले इधर से, चल ले इधर से चल। अरे हम लोग चढ़ गए हैं ऊपर तक, वाह हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। अरे हम लोग चढ़ गए है ना। प्रदीप इधर देखो ना यार, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अरे वाह मजा आ रहा है यार, इधर देख के बोलो ना। अरे ये लड़का नहीं देखोगे, हैं नहीं देखोगे। तो वीडियो को यहीं अंत करता हूं दोस्तों, और जो भी मेरे चैनल पर बने हैं उनका थैंक यू।